राधे राधे जय श्री कृष्णा सभी प्यारे भक्तों, देखिए माधव कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, दोनों कलर के ड्रेस में और साइन भी कर रहे हैं। तो मैं माधव के स्नान से रिलेटेड एक वीडियो लेके आई हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि दीदी आप किस चीज़ से माधव को स्नान करवाती हैं, माधव बहुत साइन करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना देती हूँ। तो मैं अपने माधव को स्नान करवाती हूँ अभियंग रूपायन अभियंग हर्बल साइनिंग पेस्ट से, जो ये रहा, ये देखिए, इसी से मैं अपने माधव को स्नान करवाती हूँ। ये आप लोगों को चंदन की शॉप पे मिल जाएगा, बहुत ही कम प्राइस में है। ये देखिए प्राइस लिखा हुआ है 99 रुपीज़। तो आप लोग इसी से लड्डू गोपाल को स्नान करवाइए। और ये कितने मिश्रण से बना हुआ है, ये भी देखिए, हल्दी, चंदन, तुलसी, गुलाब। तो ये बिल्कुल भी माधव के लिए हानिकारक नहीं है। तो आप लोग इसी से माधव को स्नान करवाइए। बहुत लोग पीताम्बरी से स्नान करवाते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पीताम्बरी से माधव को स्नान मत करवाइए, क्योंकि पीताम्बरी पीतल के बर्तन को धोने में काम आती है, ना कि माधव को या किसी भी विग्रह को स्नान करवाने में। तो प्लीज़ आप लोग पीताम्बरी का यूज़ मत करिए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब भी कर देना। तो आप लोग भी इसी पेस्ट से माधव को स्नान करवाइए। तो ऐसे साइन करेंगे, सुंदर तो है ही माधव, पर इसे साइन भी करते रहेंगे। मैं रेगुलर इसी पेस्ट का यूज़ करती हूँ। और हाँ, ये पेस्ट कुछ ऐसा होता है, ये देखिए इतना टाइट सा होता है, थोड़ा टाइट होता है पेस्ट, ये देखिए ऐसा होता है। तो इसमें हम थोड़ा गुलाब जल ऐड करके फिर माधव को स्नान करवाते हैं। थोड़ा सा गुलाब जल पिलाने पर ये थोड़ा गीला हो जाएगा, फिर माधव को स्नान करवाने में बढ़िया रहता है। देखिए कितने साइन कर रहे हैं माधव। तो मैं रेगुलर इसी पेस्ट का यूज़ करती हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिए, माधव को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, उनके चैनल को सपोर्ट कीजिए। राधे राधे जय श्री कृष्णा।